जवा गैस एजेंसी में भारी लूटपाट। बता दें कि जवा इंडियन गैस एजेंसी में गांव के लोगों से पैसा लेकर गैस टंकी वितरण किया जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के मुताबिक गैस टंकी मुफ्त में ग्रामीण महिलाओं को मिलना चाहिए। कुछ महिलाओं को तो गैस टंकी मिली नहीं, जबकि उनके आधार कार्ड से गैस टंकी मिल चुकी है। प्रधानमंत्री के योजनाओं को जो कर्मचारी हैं अपना निजी धंधा बना लिए हैं। जब प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से जवा ब्यूरो चीफ प्रमोद मोदी गैस एजेंसी पहुंचे तो लोगों में कोलाहल मच गया। गैस एजेंसी में भारी भड़कम भीड़ दिखाई दी और वहां बैठी महिलाएं कहने लगी कि आज हम एक महीने से कागज जमा किए जिसमें हम 500 रुपए लगाए हैं, अभी तक मुझे गैस का लाभ नहीं मिला है। मध्य प्रदेश सरकार की नजर ना जाने कहां है, जो कि सरकार लाभ दे रही है उसमें भी लूटपाट किया जा रहा है। ऐसे लोगों को अधिकार मिला है जो शासन की योजनाओं को भी अपना धंधा बना लिए हैं। क्या सरकार को यह नहीं मालूम कि गांव के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? जो सरकार योजना मुफ्त में बनाती है उसमें पढ़े लिखे अधिकारी पैसा लेते हैं। यह तो जांच का विषय है कि गांव के लोगों की इतना प्रतीक्षा क्यों कराया जा रहा है, क्यों गांव के लोगों से पैसा लेकर गैस दिया जा रहा है, क्यों कुछ लोगों को पैसा दूसरों को दे दिया जाता है जिसके आधार कार्ड से गैस दूसरों को दे दिया गया जबकि सब्सिडी उसके खाते में आती है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ प्रमोद मोदी की खास रिपोर्ट। कि पैसा ले रहे हैं आप लोगों से? हाँ। कितना? जिससे जितना मिल जाता है। चलिए ठीक है, क्या बताई क्या समस्या क्या है आपको? कोई समस्या है माने हमारा जो है ये गैस नहीं मिला। गैस नहीं मिला? फार्म आप सबमिट किए थे? फार्म सबमिट किए थे। हाँ। सब्सिडी आ रहा है, पैसा आता है हमारे खाते में। पैसा आता है आपके खाते में और गैस की टंकी आपको नहीं मिली? गैस की टंकी नहीं मिली, ना चूल्हा मिला, ना कुछ नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला। कोई लाभ नहीं मिला? और आप यहाँ आके कुछ बताए हैं? हाँ बताए। आवेदन दिए हैं आप? दिए हैं, हम जमा करवा लिए हैं। 200 रुपए? चलिए ठीक है।